कोलकाता मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों पर हमले के विरोध में आईएमए ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन का आह्वान किया। इस पर आईएमए की गोहाना इकाई ने अपने अध्यक्ष डॉक्टर गजराज कौशिक तथा सचिव डॉक्टर प्रवीण गोयल के निर्देशन में अपने अपने क्लिनिकों में काले बिल्ले लगाए। शहर के जिन वरिष्ठ चिकित्सकों ने इस विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग लिया वे डॉक्टर सी डी शर्मा, डॉक्टर धर्मवीर नांदल, डॉक्टर सेवाराम गोयल, डॉक्टर एस एस गुप्ता, डॉक्टर बी के गुप्ता, डॉक्टर वरुण गुप्ता, डॉक्टर रघुवीर विरोधिया, डॉक्टर अशोक गुप्ता, डॉक्टर जयग्रहण लठवाल, डॉक्टर सौरभ सेतिया के साथ महिला डॉक्टर राज गोयल, डॉक्टर सलोनी गुप्ता, डॉक्टर कौशल गोयल, डॉक्टर सीमा त्रेहान भी रहे। बेसिकली आज आईएमए गोहाना ब्रांच जो हमारी केंद्रीय आईएमए है और हमारी प्रांतीय आईएमए ब्रांचेज हैं उनके आदेश पर जो एनआरएस कॉलेज कलकत्ता में नरसंहार हुआ है, डॉक्टरों के साथ मारपीट हुई है मरीजों के रिश्तेदारों द्वारा, उसके विरोध में हम लोग जो है ना स्ट्राइक पर हैं और हम उस बेसिकली कुकृत्य की कड़ी भर्त्सना करते हैं और हम चाहते हैं कि सरकार डॉक्टरों के खिलाफ, अस्पताल में तोड़फोड़ के खिलाफ और अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ जो भी इस तरीके की गतिविधि होती हैं उसके खिलाफ एक बहुत सख्त कानून लेकर आए और जो एग्जिस्टिंग कानून है वो उसको भी इम्प्लीमेंट करे और हमें ये भी सुनिश्चित करे कि हम भयमुक्त माहौल में मरीजों की और आम जनता की और गरीब जनता की सेवा कर सकें। कोई मांग आपकी? हम ये चाहते हैं कि उस कानून को जो हमारे प्रोटेक्शन में बनाया हुआ है उसको प्रशासन पूर्ण रूप से लागू करे और अगर वो कानून लागू नहीं होता तो वहाँ के लोकल जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या वहाँ की जिम्मेवार पुलिस है उसके खिलाफ भी कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि वो हमारे प्रोटेक्शन में उस कानून को क्यों लागू नहीं करती, क्यों प्रॉपर तरीके से एफआईआर दर्ज नहीं होती। हमारी मांग भी ये है आज की स्ट्राइक को लेकर पूरे देश में ये मांग है कि एक ऐसा केंद्रीय स्तर पर कानून बनाया जाए कि जो इस तरीके के जो गूंस और गुंडा लोग हैं जो मरीज के साथ आकर डॉक्टरों के साथ मारपीट करने की कोशिश करते और करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो कानून बना रखा है।